तो नया जब दुकान आप खोल रहे तो आपको लगता है यार मेरा तो ये पूंजी फंस गया 2,000 रुपया या 1,000 रुपया, तो हमारे यहाँ तो सब आइटम चालू है, हम वो कस्टमर को बोलते हैं डैट इज़ फॉर योर फर्स्ट टाइम, आप ये पहली बार लेके गए ये माल मुझे रिटर्न कर दीजिए, पर्टिकुलर आपके पास नहीं चल रहा है, हम उसको चेंज करके आपको दूसरा दे देंगे। तो कस्टमर को इतना सुकून मिलता है, इतना वो प्लीज्ड होते हैं। नई जो दुकान खोलते हैं हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार है, तो हम नई दुकान को उसी टाइप का आइटम देते हैं कि वो 15 से 20 दिन में माल को बेच के हमारे पास आ जाए। ये हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे सारे पैक बंडल रखे हुए हैं जो बाहर के लिए माल सब पैक बंडल जिनको जाता है पार्टी को किल मार्किंग करके चला जाता है, जैसे ये आप देखिए सिवान के लिए माल जा रहा है। ये हमारे पास जो प्लास्टिक रिलेटेड एक हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ए से लेके जेड तक सारे आइटम्स है, जो एक गृहिणी को चाहिए, एक दुकान नया चालू करने के लिए जो आइटम्स चाहिए, छोटी से लेके बड़ी सभी आइटम्स अवेलेबल है हमारे पास। करीबन 46 कंपनीज का बिहार और झारखंड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारे पास, ऑल टुगेदर करके 5,000 आइटम्स होंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि बिजनेस आइडिया पे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ ये चीज़ कि कहाँ से आप जुड़कर प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्जिन कमा सकते हैं और अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं हूँ फ्रेजर रोड में और मैं ये चीज़ देखा कि यहाँ पे एक वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है और 40 साल पुराना वेयर हाउस है, खास करके प्लास्टिक आइटम की, क्लीनिंग आइटम की। टोटल यहाँ पे 5,000 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का वीडियो बनाकर आप लोगों को ये दिखाया जाए। सबसे पहले एड्रेस की बात करते हैं कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। देख सकते हैं सामने में सेंट्रल मॉल है, थोड़ा सा दिखाएं ये चीज़ को, सेंट्रल मॉल के ठीक सामने में है और यहाँ पे आपको विदा सरिया इंटरप्राइजेज करके इस कंपनी का नाम है और बगल में डाक बंगला चौराहा है और पटना जंक्शन से ठीक 0.5 किलोमीटर पर ये पड़ता है फ्रेजर रोड में। मैं ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं आप लोगों को वेयर हाउस के अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। क्लीनिंग आइटम या फिर प्लास्टिक की जितनी भी आइटम होती है, किचन की बात की जाए तो वो आइटम आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आइटम की बात की जाए, सिंपल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 5,000 आइटम है। थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। और स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए प्रोडक्ट की, वो मात्र 1-2 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। क्लीनिंग की बहुत सारी प्रोडक्ट मिलेगी। टोटल प्रोडक्ट की मैं फिर से बता दूँ कि 5,000 प्रोडक्ट मायने रखता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये 40 वर्षों पुराना ये शॉप है, वेयर हाउस है, वो पटना का सबसे बड़ा वेयर हाउस में से एक है। सिंपल आप देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे सिंपल आपको देखने को मिलेगा। मैं ओनर से भी मिलाऊंगा, ज़्यादा जानकारी कि आप कैसे यहाँ से जुड़कर अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये फर्निशिंग की आइटम यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्लास्टिक की जितनी भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अंदर में और दिखाता हूँ, जो बाल्टी वगैरह हमारे घर में यूज होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लीनिंग की आइटम होती है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको जितना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 2-3 इनका वेयर हाउस है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा वेयर हाउस है, वो मैं भी दिखाऊँगा वीडियो के अंदर में। वीडियो में दोस्तों बने रहें तभी ये चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इस ये चीज़ का घर में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, जैसे कि आपको भी पता है कि ये घर में हमारे घर में कितना ज़्यादा चलता है। प्लास्टिक आइटम की बात की जाए तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। मैं वेयर हाउस की बात कर रहा था, वो वेयर हाउस जो बहुत बड़ा है, जहाँ से आप लेना चाहते हैं कि एक पीस भी, सिंगल पीस भी आप लेना चाहते हैं सिंपल के तौर पर कि हमको एक पीस लेना है, रेट वगैरह क्या रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगा, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं दूसरे वेयर हाउस में लेकर चलता हूँ, वहाँ भी दिखाऊँगा कि क्या क्या आइटम आपको देखने को मिलेगा। आइटम की मैं बात कर रहा था कि अलग अलग सेक्शन इनका है, यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह की आइटम आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घर में छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है कि जो घर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, यहाँ पे आपको बाल्टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो क्लीनिंग की बात की जाए तो इस तरह की आइटम है जो आपको देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी बोतल, ये भी इन्होंने ध्यान दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह की जो टूल होती है, जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की जो होती है आइटम बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, खास करके 99 शॉप पे, 99 मॉल में बहुत ज़्यादा बिकता है। मैं आपको दिखा दूँगा आइटम भी, अंदर में देख सकते हैं कितना सारा आइटम आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ लोगों का ये कहना होता है कि सर आप तो वेयर हाउस दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, लेकिन क्या हम 99 में इस चीज़ को लेना चाहते हैं 99 के लिए, तो वो मार्जिन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, मार्जिन भी मिलेगा। के लोग 99 के अलावा यहाँ पे 149 भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 199 लेना चाहते हैं तो वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरे सेक्शन में लेकर चलता हूँ, वहाँ भी एक इनका एक वेयर हाउस है, वो भी दिखाऊँगा किस तरह की यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी जो आइटम होती उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, जो घर में चलता है, देख सकते हैं मसाला वगैरह रखने के लिए ये चीज़ काम आता है। इस तरह के जो छोटे जग होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, 1-2 रुपये से सब स्टार्टिंग है, 5 रुपये से स्टार्टिंग है। चाहते हैं कोई लोग कि पैकिंग चाहिए तो बॉक्स पैकिंग, तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। आइटम बहुत है दोस्तों, दिखाना वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। और ये इसके अलावा भी एक सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी आप क्लीनिंग की बात की जा रही थी तो झाड़ू भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइटम की बात की जाए तो देख सकते हैं कितना सारा वैरायटी इन्होंने मेंटेन करके देखा है, खास करके इसमें स्टेशनरी वगैरह की जो होती है, पेंसिल बॉक्स है वो भी आपको दिखेंगे, छोटे छोटे जो लंच बॉक्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि आइटम की बात की जाए, वैरायटी की बात की जाए तो हर एक तरह की वैरायटी इन्होंने मेंटेन करके रखा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ के ऑनर से मिलाएंगे, वो डिटेल्स देंगे कैसे आप यहाँ से जुड़कर अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा 50,000 का, 1,00,000 का लेना होगा, आप मिनिमम अमाउंट मतलब कि 1,000-2,000 का भी ले सकते हैं, या फिर सिंगल पीस चाहिए कि सिंपल में हमको चाहिए सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो वो भी ले सकते हैं, या फिर किन्हीं का बड़ा रोजगार है तो वो 10,00,000-20,00,000-50,00,000 तक का माल भी यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, मिलाते हैं यहाँ के ऑनर से। तो दोस्तों हमारे साथ हैं यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के ऑनर। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे वेयर हाउस में आए विदाश्री एंटरप्राइजेज में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एड्रेस क्या रहेगा थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स। ये हमारा पटना सेंट्रल मॉल के ठीक सामने है वेयर हाउस विदाश्री एंटरप्राइजेज के नाम से, फ्रेजर रोड में, डाक बंगला से जस्ट एकदम नियर बाय है पटना सेंट्रल मॉल। पटना जंक्शन से कितना दूरी होगा? आधा किलोमीटर पटना जंक्शन से, आधा किलोमीटर पटना जंक्शन। दोस्तों सभी लोग खास करके बिहार से सभी जगह से लोग आते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ से मात्र 1/2 किलोमीटर, मतलब की लोकेशन ऐसा है की कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आराम से यहाँ आ सकता है और सब सुविधा है, और हार्ट ऑफ द टाउन में अपना बसा हुआ है ये। हमारे पास जो प्लास्टिक रिलेटेड एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ए से लेके जेड तक सारी आइटम्स है, जो एक गृहिणी को चाहिए, एक दुकान नया चालू करने के लिए जो आइटम्स चाहिए, छोटी से लेके बड़ी सभी आइटम्स अवेलेबल है हमारे पास। करीबन 46 कंपनीज का बिहार और झारखंड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारे पास। ऑल टुगेदर करके 5,000 आइटम्स होंगे, जिसको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुकानदारी के लिए खुद ही खूब अच्छे से चला सकते हैं, जिससे आपका रोजी रोटी चलना बहुत आसान हो। ओके, एक चीज़ अभी जैसे कि एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, 99, 149, 199, तो वो चीज़ का भी प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा? बिल्कुल, हमारे पास 99 के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास वर्जिन में भी 99 के प्रोडक्ट्स हैं, जो आप 99 के लॉट्स में चला सकते हैं, 49 के लॉट्स में चला सकते हैं। इवन जो 20-22 रुपए के लॉट होते हैं, जो हॉकर लोग माथा पे लेके चलते हैं, वो भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और सारे वर्जिन भी हैं, कुछ आइटम्स सेकंड के भी हैं जो आप आराम से लेके चला सकते हैं। जो होता है सेकंड की बात की जाए तो उसमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा हमारे व्यूअर को? देखिए जो सेकंड के आइटम है उसमें भी मार्जिन है, फर्स्ट के आइटम में भी मार्जिन है, आइटम टू आइटम ये वेरी करता है कि आप कौन से आइटम चला रहे हैं, क्या रेशियो में चला रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेंगे कि बड़े बड़े ब्रांड आपके साथ जुड़े हुए होंगे इसमें? बिल्कुल, हमारे पास जैसे SKI कंपनी है बॉम्बे की, ये डिज्नी कैरेक्टर का पेटेंट लिया हुआ है, तो इसमें जो भी डिज्नी कैरेक्टर्स के कार्टन्स रहते हैं उनके सब की पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, बॉटल्स, सभी चीज़ पर ये एम्बॉसिंग किया हुआ है, और ये बच्चे लोग को बहुत प्यारा लगता है और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, तो सर ये बताएं कि जो मिनिमम परचेजिंग क्या होता है, कि मतलब कि जो हमारे व्यूअर खास करके बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव से होते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले सैंपल देखें या फिर कम पूंजी से इन्वेस्टमेंट करें, रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नए व्यूअर जो रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं उनका परचेजिंग क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, एक जो सपोर्ट होता है, एक आइडिया होता है कि कैसे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो कैसे देते हैं थोड़ा सा बताएं। हमारे जो आइटम्स हैं जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, बस हमारे जो है स्टेटस पे भी रहता है,
प्लस क्या है, वेराइटीज़ हमारे सैम्पल में भी डिस्प्ले है, आप जब ज़रूरत हो पीडीएफ का डिमांड कर सकते हैं, हम पीडीएफ भेज सकते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, हाँ पीडीएफ भी देते हैं, जिससे कस्टमर सारे रेंज देख सकते हैं कंपनी वाइज, क्योंकि 46 कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबके लिए सब चीज़ बाइंग करना लेना संभव नहीं है। तो कोई एसकेआई कंपनी का लेना चाहते हैं, डिज्नी कैरेक्टर्स है उस पर पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है, कोई लीज़ा का लेना चाहते हैं, कोई सिटी प्लस जो कंपनी है हाउस होल्ड का पूरा बकेट बेसिन मग जग सारे आइटम्स है रैक वगैरह उनका लेना चाहते हैं, कोई कैपिटल का है जैसे बुलबुल हुक्स वगैरह है, काफ़ी अच्छा चलता है स्टिकिंग के लिए हुक्स वगैरह है, जतिन कंपनी का क्लिप्स है स्टील क्लिप्स जो बहुत ज़्यादा लोगों की लाइकिंग है, बहुत इकोनॉमिकल रेंज में प्लास्टिक के भी क्लिप्स आते हैं वो भी ले सकते हैं, अल्टीमेट ये अपने आप में ही अल्टीमेट नाम है, उनके चक्कू छुरी पिलर आपको जूसर ग्राइंडर्स मतलब काफ़ी आइटम्स हैं जो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं और ले सकते हैं और हमारे आप उस पर देख सकते हो। मिनिमम परचेजिंग क्या रहेगा? मिनिमम परचेजिंग हमने कुछ ऐसा नहीं रखा है क्योंकि कस्टमर को जब पसंद आती है चीज़ें तो उसको परचेजिंग का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। जब आप सैंपल देख रहे हो, जब आइटम्स आप ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड जनरेट होगा, आप लेंगे। मैं तो कस्टमर को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि भाई आप इतना कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वैरायटीज इतनी है, कस्टमर आता है तो उसका ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है, हमारे को बोलना नहीं पड़ता है कि आपको 500 का लेना है, 1000 का लेना है कि 5000 का लेना है। कस्टमर जब देखता है तो ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है, आखिर में कस्टमर ये बोलता है जी हम आपको ये 20,000-30,000 ये पेमेंट कर रहे हैं और हम थोड़ा देर में नेफ्ट कर दे रहे हैं या पेटीएम कर दे रहे हैं, ये होता है कस्टमर के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाती है। जतिन कंपनी का स्टील क्लिप है, ये बहुत अच्छा चलता है क्लिप, इसी टाइप से इसकी प्लास्टिक की भी क्लिप्स है, ये क्लिप्स की बहुत अच्छी डिमांड है, अभी सामने तो बारिश की सीजन है तो क्लिप लोगों काफ़ी पसंद आती है। ओके, ये सब की प्राइस क्या रहती होगी, मार्केट में क्या बिकती होगी? जैसे क्लिप जो है समझ लीजिए 9 रुपया दर्जन से स्टार्ट होता है, 9 रुपये दर्जन, 9 रुपये दर्जन, हाँ 1 रुपये से भी कम, 9 रुपये दर्जन से स्टार्ट होता है, 9 का है, 10 का है, 15 का, 20 का, 30 का, हमारे पास स्टील वाली क्लिप्स है वो हेवी में है वो भी लोग लेते हैं, क्लिप का हमारे पास 15-16 वेराइटी से भी ज़्यादा रेंज है लोग क्लिप ले सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये नाइफ है अल्टीमेट कंपनी की, तो ये नाइफ जैसे 84 रुपये डज़न, 72 रुपये डज़न, इस तरह से ये आता है, और एक दूसरी नाइफ है ब्लैक कलर में वो 60 रुपये डज़न, तो ये लोग ठेले वाले भी आराम से हॉकर भी ले सकते हैं, एक एक पीस करके इसको बेच सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, फिर ये बॉटल ब्रशेज है ये आजकल खूब चलती है, लोग क्लीनिंग के लिए बहुत आजकल तात्पर्य हो गए हैं कि चीज़ों को बहुत क्लीन करके रखा जाए, इसी में ये हमारा स्क्रबर है, स्टील स्क्रबर, पहले लोग इनको जानते नहीं थे कि ये क्या काम के लिए है, कभी कभी कोई पूछ बैठते थे कि ये जूड़े में लगाने के लिए है क्या, लेकिन ये जो है बर्तन धोने के लिए स्क्रबर है, इससे बर्तन इतना अच्छा क्लीन होता है और काफ़ी इकोनॉमिकल है, ये जैसे 6 रुपये में आ जाता है एक पीस, यानी 6 पीस के 36 रुपये, मार्केट में जाने के बाद 15-20, हाँ मार्केट में MRP पे मेंशन है 20 रुपया, तो आराम से कस्टमर इसको 15-20 रुपये में होलसेलर्स अपने को इसको बेच सकते हैं। ओके, इसके अलावा सर, हाँ इसी का ग्रीन पैड है, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, लोग इसको बेस क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स तो आप देख रहे होंगे, कंटेनर्स है, पाटा है, काफ़ी रेंज है, आप इसमें देख सकते हैं डिस्प्ले में, एक एक चीज़ दिखाना थोड़ा संभवतः तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए। अच्छा, ये सब की बात करेंगे तो कितने सा स्टार्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा बताएं कि ये से पाटा है, ये सिटी प्लस कंपनी का पाटा है, ये 5 लेग का पाटा है जिससे इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है, जनरल जो बाज़ार में आप पाटा देखेंगे 4 लेग का होता है, ये 5 लेग का पाटा है, ये जैसे आपको MRP 153 रुपये है, ये आप देख रहे होंगे हमारी कंपनी के मोस्टली सभी आइटम्स पे MRP मेंशन है, और सिंगल सिंगल पॉलीथीन पैकिंग है, सबके 4 कलर्स आते हैं जिसको आपको देखने में बेचने में सुविधा है कस्टमर को देने के लिए, इसकी आपको कॉस्टिंग मोटा मोटी आएगी 50-55 रुपये के रेंज का, मतलब डबल से भी अधिक मान, हाँ डबल से भी अधिक। ओके, इसके अलावा देखा, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी ना? पाटा में हमारे पास करीबन 35-40 वैरायटी की पाटा होंगे जो जनरल चलता है, और ऐसे तो पाटा में और भी काफ़ी वैरायटी है, छोटे बड़े लंबे जिस तरह का पाटा चाहिए ले सकते हैं, हेवी लाइट। ये सब जो आइटम मैं देख रहा हूँ सर बहुत ज़्यादा ही चलता है खास करके, हाँ ये अभी लोग ग्रीनरी पे प्लांटर्स ये हो गए पेड़ पौधा
लगाने के लिए। इसमें क्या है, सब साइजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे से लेके बड़े तक, जैसा आदमी यूज़ करना चाहे उस तरह से कर सकते। इसके साथ सबके मैचिंग के प्लेट्स भी हैं, तो कस्टमर प्लेट में भी यूज़ प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि पानी वगैरह इधर उधर नहीं फैले। और क्लीनिंग का भी काफ़ी रेंज काफ़ी बड़ी है और बहुत रेंज है। आपको कुछ पेंसिल बॉक्स मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अच्छा, इस पे मार्जिन वगैरह तो अच्छा होता होगा हमारे, जो मार्जिन की बात की जाए, मार्जिन है इसमें क्लीनिंग में तो फर्स्ट क्लास मार्जिन है और काफ़ी वैरायटी लोग हाथों हाथ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर की बात करें तो क्या क्या रहेगा सर, थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे जो पेंसिल बॉक्स आपको बताया SKA कंपनी का, इसमें आप देख सकते हैं जैसे मिकी प्रिंट का है, ये 3D प्रिंट्स के हैं पेंसिल बॉक्स, और ये बारबी प्रिंट्स का है। इस टाइप के पेंसिल बॉक्स आजकल बहुत मार्केट में डिमांड है, सीजन्स में और भी रोज में कस्टमर को फुलफिल नहीं कर पाते, डिमांड इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसमें भी जो मार्जिन है आराम से कस्टमर 20-25% का मार्जिन लेके आराम से बेच। इधर की बात करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बोतल वगैरह मैं देख रहा हूँ, ये सब की प्राइस क्या होगी, कितना? बॉटल्स जो है ये स्कूल बॉटल्स है, जिम में भी यूज़ होता है, ऑफिस बेरिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये बॉटल्स जैसे फ्लिप कैप की बॉटल्स है, पीने में कस्टमर को आसान रहता है, जो भी लेना चाहेंगे। ये बॉटल्स जैसे अपने 70 रुपये से लेके 300 रुपये रेंज तक की बॉटल्स हैं, इंसुलेटेड बॉटल्स है, स्टील बॉटल्स है, इस तरह से सबके रेंज जो मार्केट में जाने और के सभी बॉटल्स के साइजेस हैं, 1/2 लीटर, 750 ml, 1 लीटर, 3 साइजेस में ये बॉटल आती है। ओके, और दिखाएं कुछ। हाँ, इसमें जैसे ये फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है। इस जैसे फ्रूट बास्केट हो गया आपको, ये स्लाइसर हो गया, ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखने के लिए हो गया, कटलरी सेट्स हो गए, साल्ट एंड पेपर हो गए, चिली कटल्स हो गए, ये कटलरी आइटम्स हो गए, इसमें स्पून्स वगैरह रखने के लिए, और वो डिस्पेंसर्स हो गए आपको, ये स्टेनलेस स्टील के भी आजकल कटलरी स्टैंड काफ़ी चल रहे हैं। मतलब वैरायटी को आपने मेंटेन किया। हाँ, कुल्फी सेट्स, आइस ट्रे। ओके, ये अभी जैसे हमारे पास बकेट है, ये सिल्वर कलर की बकेट आई है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सिल्वर एंड गोल्डन कलर। ऐसा बात नहीं कि मतलब ये चला जाएगा, कलर वगैरह हट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कलर वगैरह कोई नहीं जाएगा। ओके सर, ये तो सैंपल की बात की जाए, टोटल कितना सैंपल होगा यहाँ पे, थोड़ा बता दें फिर से। सैंपल्स हमारे पास सारे आइटम्स के, स्मॉल, मीडियम, बिग, 3-3 साइज होते हैं, किसी के 1.5 लीटर, 2 लीटर साइजेस भी होते हैं, छोटे बड़े रेंज होते हैं। हमारे पास सैंपल ऑल टुगेदर 5000 करीबन सैंपल्स होंगे। okay. सारे प्रोडक्ट्स छोटे बड़े सब मिला के। ओके, मैं बियर हाउस की बात करूंगा कि बियर हाउस दिखाएं कि लोगों को लगे कि ये चीज है जिनमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहां पे आएंगे तो क्वांटिटी में मिलेगा। कई लोग का ये डिमांड रहता है ना कि मतलब कि सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट का एक चीज है तो उसको हमको 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास आराम से जितनी क्वांटिटी चाहिए उनको मिल सकता है। थोड़ा सा बियर हाउस जरूर, चलिए आपको बियर हाउस दिखाते हैं। चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये रैक्स है, आजकल इन रैक्स की काफी डिमांड है। ये जैसे कॉर्नर्स में रखने के लिए रैक है, कोने में इसको रख सकते हैं, बकायदा इसमें क्या हुक्स है, आप इसमें चीजों को टांग सकते हैं, कांटी दी हुई, अलग से आपको बाजार से परचेज नहीं करना है, स्टिकिंग दिया हुआ, आप इसको स्टिक कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल रैक है आज के टाइम में। अच्छा, ये सर MRP तो मैं सभी पे देख रहा हूँ। हाँ जी, ये रिटेल प्राइस होता है, मार्जिन अपना अलग होता है? बिल्कुल, मार्जिन अलग होता है, MRP भी आप बेच सकते हैं। कितना परसेंट, थोड़ा बता देंगे कि आप? मार्जिन जो है 25%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट करते हुए कर सकते हैं। मार्जिन में कोई कमी नहीं है, MRP मेंशन है, कस्टमर आराम से लेता है, और क्वालिटी वर्जिन है तो लेने में भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं। ओके, थोड़ा हॉट फूड के बारे में, ये आपको यहाँ पे ये जूसर्स हैं, जूसर्स में हमारे पास सारी वेराइटी है, आप गाजर वगैरह और भी आइटम्स के जूस निकाल सकते हैं। ये आपको जग हो गया गर्मी में यूज़ करने के लिए, पानी स्टोरिंग के लिए, जूसेस वगैरह के लिए। कैस्ट्रोल्स हो गए आपको सब साइज़ में, छोटे 800 ml, 1 लीटर से लेके हमारे पास 3.5 लीटर तक, 5 लीटर तक कैस्ट्रोल मिलेंगे, जिसमें आप खाना गर्म रख सकते हैं आराम से, इसमें खाना गर्म रहेगा। कैस्ट्रोल्स में गोल्डन लाइनिंग के कैस्ट्रोल है, स्टील फिनिश में है, जनरल कैस्ट्रोल है, जैसा आप चाहेंगे उस तरह का रेंज हमारे पास आपको अवेलेबल। मतलब कि आते हैं तो एक छत के नीचे में इतनी वैरायटी है कि निराश कभी नहीं लौटेंगे। हमने यही मेंटेन किया है कि कस्टमर को एज ए बिग बाजार हमारे पास आ जाए तो उनको प्लास्टिक रिलेटेड कोई भी आइटम्स की कमी नहीं होगी। किन्हीं को भी दुकान नई खोलनी है या कुछ देना है
तो उनको हमारे पास रेंज सारा मिल जाएगा, दूसरी जगह जाने की नहीं। दुकान की बात की जाती है तो सर ये होता है कि सपोर्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है और एक्सपीरियंस, कि लोग एक्सपीरियंस अपना देते हैं कि हम इतना साल से कैसे चला रहे हैं चीज़ को, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ती है, तो वो भी बताते हैं लोगों को। बिल्कुल, नई जो दुकान खोलते हैं हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार है, तो हम नई दुकान को उसी टाइप का आइटम देते हैं कि वो 15 से 20 दिन में माल को बेच के हमारे पास आ जाए। हमारा ये सोचना रहता है कि चालू प्रोडक्ट्स तो हमारे पास है ही, ऐसे रनिंग प्रोडक्ट्स उनको दें कि वो 15 से 20 दिन में माल को बेच के हमारे पास आ जाए। इनिशियली जो हम माल देते हैं उनको, माल हम ट्रांसपोर्ट में भेजे या वो साथ लेके गए, कोई कारण से वो माल टूट गया या कोई दिक्कत हो गई, वो माल को हम वापस ले लेते हैं, उनका कुछ भी चार्जेस हम नहीं काटते हैं, ना कुछ अलग से कुछ उसमें लगता है। प्लस क्या है, जैसे फर्स्ट डीलिंग आपने की हमारे साथ और आपने माल लिया, कुछ कारणवश क्या होता है हमने या आपने लिया जो सारे प्रोडक्ट्स चलने के हैं, लेकिन एरिया टू एरिया डिफर करता है कि भाई कुछ ये आइटम पर्टिकुलर एक आइटम हमारे पास नहीं चल पाया, तो नया जब दुकान आप खोल रहे तो आपको लगता है यार मेरा तो ये पूंजी फंस गया 2,000 रुपया या 1,000 रुपया, तो हमारे यहाँ तो सब आइटम चालू है। हम वो कस्टमर को बोलते हैं डैट इज़ फॉर योर फर्स्ट टाइम, आप ये पहली बार लेके गए, ये माल मुझे रिटर्न कर दीजिए, पर्टिकुलर आपके पास नहीं चल रहा है, हम उसको चेंज करके आपको दूसरा दे देंगे, तो कस्टमर को इतना सुकून मिलता है, इतना वो प्लीज्ड होते हैं, और संजोग भगवान की असीम कृपा है, आज तक कोई हमारी ज़िंदगी में एक दो ही कस्टमर जो हैं वो लेके आए होंगे, लेकिन हमारी तरफ से फ्री है। अगर कोई आइटम आपके यहाँ नहीं चला तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, कोई आप ले गए, कोई बंडल गिर गया या गलती से आप टूट गया, वो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, उसके लिए पास कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कस्टमर को हमारी तरफ से स्पेशल एडवांटेज है कि आप इस तरह का फैसिलिटी, थोड़ा सा वाल्टी वगैरह का मैं काफ़ी रेंज देख रहा हूँ, और इसके बारे में बताएं कि कितना इसका प्राइस होता है मार्केट में जाने के बाद क्या। हमारे सारे बाल्टीज पे भी आपको MRP लिखा हुआ है। ये बड़ी बढ़िया क्वालिटी की होती है सर, ये प्योर वर्जिन बकेट्स है, प्योर वर्जिन बकेट्स है, इसको कस्टमर आराम से ले सकते हैं। MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ लिखा हुआ है। जनरली मॉल्स वगैरह में जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो उनको कस्टमर को प्रॉब्लम होती है कि बगैर MRP हम कैसे बेचें कैसे लें, कस्टमर को भी लेने में दिक्कत होती है, बार कोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो एक एक बकेट्स हमारी पॉलीथीन पैकिंग है, CT कंपनी का ये बकेट है, 4 कलर में बकेट आता है ये, और सारे वर्जिन है, मतलब इसमें जो क्रोम की ये जो पॉलिस्ड है, क्रोम पॉलिस्ड है, अच्छी ये मतलब बकेट्स है, जिसको भी जाते ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है। ओके, मतलब इसमें लो क्वालिटी की होती है। हाँ जी, लो क्वालिटी की भी बकेट है, वो भी मिल जाएगा। इधर क्लीनिंग आइटम देख रहा हूँ मैं। हाँ, क्लीनिंग में भी, क्लीनिंग में आपको वाइपर्स, टॉयलेट ब्रश, झाड़ू हमारे पास फुल झाड़ू जो बोलते हैं वो सारी मिलेगी आपको। ओके दोस्तों, एक एक चीज़ पे इन्होंने ध्यान दिया, ये बहुत अच्छी बात लगती है, कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। इसमें ये ड्रम्स हो गए जो आजकल स्टोरिंग के लिए काफ़ी चलता है, ड्रम्स में ये प्लास्टिक का हैंडल है जिसको उठाने के लिए दिक्कत नहीं हो, ढक्कन भी आता, ढक्कन के साथ ही आएंगे। इसमें आपको ये जैसे डस्टबिन हो गए खुले में, हमारे स्टेशनरी सप्लाई ऑफिस बेयरिंग में काफ़ी चलता है ये डस्टबिन, ओपन डस्टबिन, छोटी छोटी चीज़ों पर आपने भी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये डस्टबिन जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सिंगल पीस पैकिंग है इसकी और कलर्स है, ऑफिस में यूज हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्वांटिटी में लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं। हाँ चलिए, हमारी गुडाउंस है वो आपको दिखाएं, वहाँ सारे बल्क में बंडल्स हमारे रखे हुए हैं, कस्टमर जब जितनी क्वांटिटी में मांगा उनको वहाँ पे मार्का लग के उसको डिस्पैच कर देते हैं और वहाँ से माल चला जाता है। ये गोडाउन हमारी देखिए, बिल्कुल वेयर हाउस इनका लेके चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे सारे पैक बंडल रखे हुए हैं, जो बाहर के लिए माल सब पैक बंडल जिनको जाता है पार्टी को किल मार्किंग करके चला जाता है, जैसे ये आप देखिए सिवान के लिए माल जा रहा है, ये 12 लाख जा रहा है सिवान के लिए, मतलब यहाँ से कहाँ कहाँ तक माल जाती है, पूरा बिहार झारखंड हम लोग कवर करते हैं, तो प्राय सभी जगह माल जाता है। जैसे आप ये देखिए रांची के लिए ये माल जा रहा है, तो उधर ये रांची के लिए माल जा रहा है, मार्का लगा हुआ है। इधर आप देखिए सारे माल जो है बंडल बंडल हमारे सारे स्टॉकिंग किए हुए हैं। इसी तरह से हमारे और भी काफ़ी गोडाउन है, दूसरी गोडाउन है, यहाँ पे माल काफ़ी आपको दिख रहा होगा क्वान्टिटी में, डेली माल आता है जाता है, मार्का लगता है, कस्टमर को जाता है। इसी तरह से और भी हमारे गोडाउन से जहाँ पे स्टोरिंग है, बगैर स्टॉकिंग के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं,
इसमें काफ़ी स्टॉक लगता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, टोटल अगर बात की जाए कि स्क्वायर फीट में कितना है ये बड़ा गोडाउन फैला हुआ होगा आपका सर? हमारा जो ऑल टुगेदर करीबन 17-18 हज़ार स्क्वायर फीट में ये एरिया होगा। इनके पास क्वांटिटी है वो वीडियो में दिखाना पॉसिबल ही नहीं होता, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा मिलेगा। प्लास्टिक के आइटम के बारे में तो यहाँ पे दिखाएं थोड़ा सा, छोटे छोटे ये मसाला बॉक्स वगैरह, मसाला बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज पे चॉपिंग बोर्ड है। कोई भी नया रोजगार करना चाहते हैं एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, काफी रेंज है उनको लेने को, मतलब कि गांव हो या शहर हो, गांव हो शहर हो, पूरा बिहार झारखंड कर रहे हैं तो सारे एरिया कवर कर रहे हैं, सबकी नीड के सारे सामान है, वो आराम से हमारे यहाँ ले सकते हैं। ये सब तो ठीक रहा सर, लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे से जुड़ेंगे थोड़ा सा बता दें एक बार, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे से, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ओके, जो वीडियो में चल रहा है। जी बिल्कुल, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो उस तरह की सुविधा चाहिए हमारे पास सारी चीज़ों का अवेलेबिलिटी है। ओके, आपको PDF चाहिए, कैटलॉग्स चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, भेज सकते हैं, प्लस आप यहां आके विजिट भी कर सकते हैं। हमारा आपको जैसे कि पहले भी बताया गया हार्ट ऑफ द टाउन में है अपना ये दुकान। ओके, सप्ताह के सातों दिन ये खुला रहता है? नहीं, संडे क्लोज रहता है। संडे क्लोज रहता है। और कदम कुआं से भी, चूड़ी मार्केट भी, मोस्टली सारे कस्टमर्स आते ही हैं वहां से। हमारा 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, आप जब चाहे आ सकते हैं, सुबह 9:30 बजे हमारी दुकान खुल जाती है, आराम से आप आके देख सकते हो आइटम। और दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वोंडेशन नहीं है कि आपको 50,000 का लेना है, 1,00,000 का लेना है, आप मिनिमम 500 का भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, आप सैंपल के लिए भी आइटम्स कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आता है ऑटोमेटिकली आप क्वांटिटी लेंगे। ऐसा बाइंडिंग करने से सौदा नहीं हो सकता, ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, तो कोई बाइंडिंग हमारे यहाँ नहीं है। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा या फिर स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कैटलॉग मंगा सकते हैं और बिजनेस करने का आइडिया सर से ले सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं और ये कैसे इन्होंने बिजनेस को बड़ा किया। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।